फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिफिन्स वर्सेस इंडो बल्जेरियन के बीच में होने वाला मैच के बारे में। और ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी पौने दो घंटा बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर किसको लेना चाहिए आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। और यहीं पर आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊँगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है। और एक और काम आपको करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको फाइनल टीम मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट्स होता है टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन नहीं होता दोस्तों तो टेलीग्राम पर जाके @shatrughan225 भी चेक करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर एक और प्रोसेस है, क्रिकेट विद SCB सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरा चैनल हो जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। 1324 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, आप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी फाइनल टीम होता है दोस्तों इस प्रकार आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा। जिस एप्लीकेशन पे मैं खेलता हूँ दोस्तों, अगर उस एप्लीकेशन पे आप खेलोगे तो आप 100% जीतोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे दो एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, यहाँ पर विजन 11 एंड बैट बॉल 11। तो यहाँ पर एक बेस्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर आके खेलिए, आप 100% जीतोगे। तो यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन बता दें, चलिए दोस्तों आप इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, ये जो मैच है ना, आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ये मैच ग्रिफिन्स वर्सेस इंडो बल्गेरियन के बीच में होने वाला है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्रुप बी का आप देख सकते हो 12th T10 मैच है, बैट टू बॉल यूरोपियन क्रिकेट लीग है दोस्तों। और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे खेला जाएंगे। और स्टेडियम एंड वेन्यू की बात करें, काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, दोनों टीम के प्लेयर्स की स्टार्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं ग्रिफिन्स का फर्स्ट 6th प्लेयर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुकी ली टीचर की बात करें तो यहाँ पर 2 अर्धशतक है इनके पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 4 विकेट, 32 रन बनाए, 32 बॉल पर 74 रन बनाए और यहाँ पर 12 रन बनाए 9 गेंदों पर, यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला। तो यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर है, तो आप इनको 100% कन्फर्म कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं डेविड हूपर की। अगर डेविड हूपर की बात करें, 18 रन, नॉट आउट, 8 बॉल पर कोई विकेट नहीं, 1 विकेट यहाँ पर लिए, 5 रन, 5 बॉल पर कोई विकेट नहीं, तो आप इनको यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद जो जैसन मार्टिन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 9 रन, 1 रन, 9 रन बनाए, तो यहाँ पर 1 रन नॉट आउट है। उसके बाद खास स्कोर नहीं बनाए, आप इनको अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद जो प्लेयर है दोस्तों, लुक बिचर्ड है, अगर इनकी बात करें, बॉलर है दोस्तों, आप देख सकते हो 2 विकेट, 0 विकेट और यहाँ पर 3 रन बनाए, 6 बॉल पर 1 विकेट नहीं है। उसके बाद जॉर्डन मार्टल की बात करें, 2 विकेट नहीं है, 2 रन, 3 बॉल पर 12 रन, 4 बॉल पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 9 रन, 4 बॉल पर 1 विकेट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर 12 रन, 4 बॉल पर प्लस 2 विकेट है और 2 रन बनाए, 3 बॉल पर, लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं किया। और रॉब थॉम्पसन की बात करें, अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, तो इनकी स्टैट्स नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पर 7 to 13 प्लेयर्स की बात करें, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो डैनियल वॉलन की बात करें, 9 रन, 7 बॉल पर कोई विकेट नहीं, 37 रन, 23 बॉल्स पर 0 रन, 1 बॉल पर, मतलब पहले बॉल पर आउट हो गए। लेकिन एडम वेकफोर्ड की बात करें, दोनों मैच में यहाँ पर 2-2 विकेट हैं, यहाँ पर गेंदबाजी नहीं किए, लेकिन एक अच्छे बॉलर है दोस्तों, आप इनको कन्फर्म कीजिएगा। बेन फिचेट की बात करें, स्टार्ट्स नॉट अवेलेबल है। डैनियल ली मिशोरी की बात करें, 10 रन, 6 बॉल पर और यहाँ पर डेन मुलन की बात करें, 2 विकेट, 2 रन, 4 बॉल पर 0 विकेट। एडम मॉर्टल की बात करें, 5 रन, 3 बॉल पर कोई विकेट नहीं, 2 विकेट, 16 रन, 10 बॉल पर कोई विकेट नहीं। उसके बाद ग्लेन ली ट्रीसर की बात करें, 16 रन, नॉट आउट, 9 गेंदों पर 8 रन, 6 बॉल पर। तो दोस्तों, यहां तक आपको एक टीम की ग्रिफिन्स की जो प्लेयर के स्टार्ट है, सारे प्लेयर्स की स्टार्ट आपको मैंने दे दिया दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा टीम के, इंडो बल्जेरियन की। अगर इंडो बल्जेरियन की बात करें, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहां पर जो पहला प्लेयर है दोस्तों, सूरज नेगी है, 6 रन, 8 बॉल पर और 1 रन, नॉट आउट, 1 बॉल पर दोस्तों यहां पर। उसके बाद सफाकत खान है, 6 रन, 9 बॉल पर। रोहित सिंह की बात करें, 8 रन, नॉट आउट, 4 बॉल पर 1 विकेट लिए और उसके यहाँ पर 9 रन, नॉट आउट, 9 गेंदों पर। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर इंडो बल्जेरियन की 5th प्लेयर जो है, रोहित दीमान है। अगर इनकी बात करें, दोनों मैच में पहले ही बॉल पर आउट हो गए, 2 विकेट और 0 विकेट लिए। उसके बाद रोहन पटेल की बात करें दोस्तों, अभी तक नहीं खेले, 10 मैच में 8 विकेट इनकी ओवरऑल स्टार्ट से। प्रकाश मिश्रा की बात करें, 67 रन, 31 बॉल्स पर 1 विकेट लिए और यहाँ पर 20 रन, 16 बॉल पर 0 विकेट है, 1 रन, 6 बॉल पर 1 विकेट है। उसके बाद जो 8th प्लेयर है दोस्तों, हिरिस्टो लोकोव है। अगर इनकी बात करें, 31 रन, 22 बॉल्स पर और 1 विकेट यहाँ पर लिए, 16 रन, 14 बॉल पर 1 विकेट है, 13 रन, 8 बॉल पर कोई विकेट नहीं है। और वही गगनदीप सिंह की बात करें, 1 विकेट, 11 रन बनाए, 16 गेंदों पर कोई विकेट नहीं और यहाँ पर बनाए 5 रन, 4 बॉल पर। तो यहाँ पर 5 to 9 प्लेयर्स बता चुका हूँ। बात करते हैं दोस्तों 10, 11, 12, 13 की। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लेयर्स हैं, ईशान पटेल की बात करें आप देख सकते हो, 16 रन, नॉट आउट, 10 बॉल पर। क्रिस वेबस्टर की बात करें,
6 रन 2 बॉल पे, 0 रन 2 बॉल पे, मतलब दूसरे बॉल पे आउट हो गए, 0 विकेट है। 20 रन 11 बॉल पे, 1 विकेट है। और दीपक दोहान की बात करें 0 मैच 0 रन 0 विकेट है। जेमी बैटन की बात करें 2 रन 5 बॉल पे, कोई विकेट नहीं, यहाँ पर 0 विकेट है। 2 रन नॉट आउट यहाँ पर है और यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों। तो यहाँ तक आपको दोनों टीम की जो स्क्वाड है स्टार्ट पूरे मिल गए, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको प्लेयर्स के स्टार्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ल्यूकली ट्रिसर एंड धीमान वालन आपको ओपनिंग करेंगे। ल्यूकली ट्रिसर की बात करें इस टीम का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले प्लेयर है। जेसन मार्टिन की बात करें वन डाउन पे बैटिंग करने वाले दोस्तों, ये मेन प्लेयर है इस टीम का। और एडम मॉर्टल की बात करें डेविड होपर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। ग्लेनली टीसर की बात करें विकेट कीपिंग करने वाले दोस्तों, यहाँ पर एडम वेकफोर्ड एंड ल्यूक बिचर्ड आपको फेस अटैकिंग को संभालने वाला है। तो यहाँ पर एक टीम का जो कॉम्बिनेशन अपडेट्स है सबको आपको मैं बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडो बल्जेरियन की। अगर इंडो बल्जेरियन की बात करें दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हिस्टो लॉकोव एंड प्रकाश मिश्रा आपको ओपनिंग करेंगे। प्रकाश मिश्रा की बात करें इस टीम का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेने वाले प्लेयर हैं। प्रकाश मिश्रा टीम के कप्तान, इसके साथ एक अच्छे कैप्टन भी है दोस्तों यहां पर। और इस टीम का सफाकत खान आपको विकेट कीपिंग करने वाले हैं। क्रिस वेबस्टर आपको वन डाउन पे बैटिंग करेंगे, इस टीम का मेन प्लेयर भी है। जेमी बैटन एंड रोहित धीमान आपको मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। हिस्टो लॉकोव एंड जेमी बैटन आपको फेस अटैकिंग भी करने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिस्टो लॉकोव यहाँ पर ओपनिंग भी करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक अच्छे प्लेयर है, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन पर ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो यहाँ पर सारे टीम की, यहाँ पर इंडो बल्जेरियन की 3 मैच में 1 मैच जीते, 2 मैच हार गए दोस्तों यहाँ पर। वही ग्रिफिन्स की बात करें 3 मैच में 2 मैच जीते, 1 मैच हार हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वर्सेज फिफ्थ के बीच में ये मैच होने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रैंडली के लिए आपको 3 प्लेयर में दे रहा हूँ दोस्तों, 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकली टीचर है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छे 2 अर्धशतक है। डेविड होपर, जे मार्टल है, ये तीनों प्लेयर को आपको 100% रखना पड़ेगा। नॉट ग्रैंडली के लिए आपको यहाँ पर स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, जो भी लीग आप खेलोगे दोस्तों, ये तीनों प्लेयर को 100% टीम में रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पिच है बैटिंग के लिए फेवरेबल है और यहाँ पर क्लियर स्काई रहने वाला है। काटामा ओवल स्पेन में खेला जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर 0.23 डिग्री सेल्सियस है। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें 90 प्लस 110 रन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर टीम फॉर्म की बात करें तो एक बार देख लीजिएगा, ये जो टीम फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर ग्रिफिन्स के, यहाँ पर लास्ट 3 मैच में 1 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं। और वही इंडो बल्जेरियन की बात करें 2 मैच हारे हैं, 3 मैच जीते हैं। अगर विनिंग चांसेस की बात करें इंडो बल्जेरियन की 90% है और ग्रिफिन्स की 10% है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो यार दोस्तों अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो होगा, चलिए दोस्तों फाइनल टीम देख लेते हैं। तो फाइनल टीम की बात करें आपको यहीं पर मैं बना के दूंगा बोले, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विकेट कीपर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ल्यूकली जीली ट्रिसर है दोस्तों, जे मार्टिन है, तो यहाँ पर जे मार्टिन पर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पर, यहाँ पर डी हूपर एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो वेबस्टर, उसके बाद डी वॉलन, यहाँ पर 3 बैट्समैन आपको काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर जी सिंह भी आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल इनको मैं रोक रहा हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर पर प्रकाश मिश्रा, ल्यूकली टीचर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद जे मार्टल है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद धीमान, और ये मार्टल में आप यहाँ पर मार्टल पे जाएगा। अगर यहाँ पर गेंदबाजी में सी लॉकअप है, ल्यूक बिचर्ड है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपको जे बैटन, डी डुहान है, उसके बाद यहाँ पर ए वेकफोर्ड भी एक अच्छे बॉलर है दोस्तों, आप इनको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जे बैटन पे जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 बॉलर्स को मैं पिक कर रहा हूँ। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर टीचर मेरे 100% कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश मिश्रा के अलावा आपको कुछ प्लेयर है, लैकोव आपको बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश मिश्रा पर अब जाएगा बेस्ट ऑप्शन होने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने बना दिया। अगर यहाँ पर कैप्टन की बात करें जे मार्टिन रहने वाले हैं, और बैट्समैन में डी हूपर, सी वेबस्टर, डी वॉलन है, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में ल्यूकली टीचर, जे मार्टल, पी मिश्रा और ए मार्टल है। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो यहाँ पर जे बैटन, और यहाँ पर सी लोकोव है, उसके बाद ल्यूक बिचर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन पे, यहाँ पर मैं कैप्टन में टीचर को ले रहा हूँ, यहाँ पर वाइस कैप्टन में प्रकाश मिश्रा को ले रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, ये मेरा फाइनल टीम है। अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस नहीं होता तो इस टीम को फाइनल कर लीजिए। अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, यहीं पर आपको फाइनल टीम मिलेगा, वो भी विनिंग टीम मिलेगा दोस्तों। जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है। जिस एप्लीकेशन पे मैं खेलता हूँ वहाँ पे आके भी खेलना है दोस्तों। तो आपको लिंक जो भी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।